जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं पुलाव, और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है पुलाव सॉफ्ट और पुलाव से, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि ये क्लास एट्थ क्रॉप एंड मैनेजमेंट चैप्टर का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। वुडन प्लाउ इज बींग यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। वुडन प्लाउ, स्पेशली हम वुडन प्लाउ की बात करें तो ये बहुत पुराने जमाने, हमारे दादा परदादा के जमाने नहीं, बहुत पुराने, 100-200 साल पुराने से ही ये यूज होता था बहुत पहले ज़माने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं था। बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लाउ, पर धीरे धीरे विकास होता है। तो देखिए, इसके मुंह पर आयरन लग गया, तो आयरन लगने से क्या हुआ कि ज़्यादा प्लाउ का जो इफिशियंसी है और सही तरीके से होने लगा। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन टीलिंग दी सॉइल। जब ये वुडन के साथ साथ है, ये आयरन भी अटैच्ड कर दिया गया, तो ये बहुत हेल्पफुल, यानी ये बहुत अच्छी तरह से टीलिंग का जो प्रोसेस है, जैसे ये लैंड है तो ये लैंड स्पेशली पड़ा हुआ है, तो इसको मैं जो सॉइल है उसको लूज करने के लिए, उसको टील करने के लिए क्या हुआ, ये बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स टू दी सॉइल, इससे तो जितने भी ये हम अभी बात करेंगे ये सारे फायदे है। ये सॉइल है तो ये, इसको देखिए, जब इसको हम खेत को जोत देते हैं तो ये मैन्योरिंग, यानी कि हम खाद ये सब मिलाएंगे तो बढ़िया से मिक्स होगा। जैसे अपना कहते हैं कभी कभी, जैसे शरबत पीते हैं तो कहेंगे चीनी बढ़िया से मीठा नहीं लगा, पर चीनी बहुत डाले थे, तो ये सेटल डाउन है, पूरा तरह से मिला नहीं है, मिलेगा तब ना पूरा मीठा लगेगा। तो उसी प्रकार जब खेत में मैन्योर बढ़िया से मिलेगा तब ना किसी फसल का उत्पाद बढ़ेगा। तो इससे मैन्योर्स भी सॉइल में ऐड हो जाता है, रिमूविंग वीड्स, जो घास वगैरह होता है फील्ड में वो भी हट जाता है। और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैपिंग मतलब होता है कि खुरचना, यानी कि मिट्टी टेढ़ा मेढ़ा कई सारे शेप, कोई बड़ा कोई छोटा शेप में क्या हो जाता है, टिल हो जाता है, जोताई हो जाता है उसका। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ ऑक्सन, ये वुड का बना होता है, और देखिए यहाँ पर ऑक्सन है, दो पेयर मतलब दो, एक जोड़ा ऑक्सन यानी एक जोड़ा बैल इसको खींचता है। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सन है, बैल है, और पीछे ये कंधा पर एक बीम है, लकड़ी है, और पीछे से जोत रहा है प्लाउ के साथ। और ऐसा नहीं है, अभी हम लोग, आप लोग भी और हम भी सुने थे कि बैल ऑक्स, बैल ही खेत जोतने में काम आता है, पर पहले, अभी की बात नहीं हो रही, पहले हॉर्सेज और कैमल्स भी यूज होता था। ETC इट कंटेन्स टू पार्ट्स, प्लाउ सॉफ्ट, और ये जो प्लाउ है ये दो पार्ट को कंटेन करता है, क्या क्या, प्लाउ सॉफ्ट और प्लाउ शेयर, इसको भी हम ट्रिक के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लाउ शेयर मेड बाई स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड प्लाउ सॉफ्ट, ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड हैविंग ए हैंडल एट वन एंड एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम। देखिए इसको आपको फिगर से बढ़िया से समझा देते हैं, क्योंकि इमेज वाला ज़्यादा दिमाग में अटता है। फिर हम आपको ये सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम आपको पहले फिगर पिक्चोरिकली दिखा देते हैं। ये जो बीम देख रहे हैं ना, जहाँ पर होल्ड होता है, ये है प्लाउ सॉफ्ट, इसका ट्रिक भी बताएंगे। और ये जो देख रहे हैं जहाँ से खेत जोताई होता है, उसका होता है वो क्या है, प्लाउ शेयर।
तो प्लाउ शेयर का क्या ट्रिक है? ट्रिक है ये जो प्लाउ शेयर है, प्लाउ शेयर, शेयर देखिए शेयर आ रहा है, शेयर मतलब कुछ देना बांटना। तो ये जो प्लाउ शेयर है ये मिट्टी के साथ क्या आता है? कॉन्टैक्ट में आता है। तो यानी कि ये जो प्लाउ हल का है ये पार्ट शेयर होता है मिट्टी के साथ, तो समझ जाएगा ये प्लाउ शेयर है, प्लाउ शाफ्ट। और बच गया जो होगा प्लाउ शाफ्ट जिसको हम होल्ड करते हैं। तो चलिए अब ये हम देख लेते हैं सेंटेंसेज वाला। तो प्लाउ शेयर मेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये ट्रायंगुलर शेप का जो जिसे जोताई होता है वो प्लाउ शेयर है। प्लाउ शाफ्ट ए लॉन्ग लॉग वुड हैविंग हैंडल एट वन एंड, जहाँ पर पकड़ते हैं आपको दिखाए हैं इमेज में, एंड अदर इन अटैच टू ए बीम, और जब उसका कंधा पर ले रहता है वो बीम से अटैच होता है। भी चीज प्लेस डाउन एनिमल्स नेक, जो कि एनिमल के गर्दन पर प्लेस होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये बीम से अटैच्ड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वन पेयर ऑफ ऑक्सन एंड ए सिंगल मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लाउ, एक आदमी और एक पेयर बैल इसको इजली ऑपरेट कर सकता है, यानी कि सिस्टम बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्त चलेगा। देखिए एक आदमी है और दो बैल है और एक प्लाउ, बस काम क्लियर। इतना ही था, और आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है, इसी से मिलता जुलता है। देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग लाए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।